Dear friends, कैसे हैं? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. Board examinations की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लगातार बच्चे लग गए हैं अपनी कोशिशों में अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए, और प्री बोर्ड भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड के लिए भी अलग अलग कॉलेजेस में. आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना है कि आप कैसे ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश में, इसकी प्लानिंग हमें कैसे करनी है. आइए, इस छोटी सी वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब आपने कर लिया अपना सबसे प्यारा फेवरेट चैनल इंग्लिश का. यस, आइए देखते हैं. मैंने तीन पोर्शन बनाए हैं, 35, 25 एंड 40. ये 35 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे साथियों. वो बच्चे जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं या बिलो एवरेज हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है स्कोर करना. उनके लिए बहुत जरूरी है एटलीस्ट इतना अच्छा स्कोर करना जिससे लोग उन्हें अच्छा स्टूडेंट समझें. उनके लिए बहुत जरूरी है कम से कम एक ऐसा स्कोर करना जो एक हैंडसम स्कोर कहला सके, आई थिंक 70+ या 75+. कैसे करेंगे? इस 35 मार्क्स को पा सकते हैं लगातार प्रैक्टिस के साथ, थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 15 अनसीन पैसेज, 15 लेटर राइटिंग और 15 आर्टिकल प्रिपेयर किए, अगर आपने 10 से 15 तक अनसीन पैसेज, आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग किए, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल गेट मोर देन 30 मार्क्स इन दिस सेक्शन. सबसे अच्छा स्कोरिंग सेक्शन है ये. इसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पाए तो प्लीज मुझे कहना पड़ेगा, बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे. दूसरा है सेक्शन, यह है ग्रामर 8 मार्क्स, वोकैबुलरी 12 मार्क्स एंड ट्रांसलेशन 5 मार्क्स. ये सेक्शन खासतौर से उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ड्रीम कर रहे हैं कि वो 90+ मार्क्स या 95 के आसपास पहुंचेंगे या इससे ऊपर भी जा सकते हैं. आपके लिए टफ जॉब है, आपने अभी तक अपने आप को बहुत अच्छा स्टूडेंट प्रूव किया है. अब टाइम आ गया है आप वोकैबुलरी सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें. लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, चाहे होमोफोन्स के हों, इडियम्स के हों, फ्रेजेस के हों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एंटोनियम्स. ठीक है, लास्ट सेक्शन, सबसे अच्छा सेक्शन, आपका फेवरेट सेक्शन है ये टेक्स्ट बुक का. इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्लेमिंगो में, एक लॉन्ग क्वेश्चन विस्टास में, दो शॉर्ट क्वेश्चन फ्लेमिंगो में, दो शॉर्ट क्वेश्चन विस्टास में, पोएट्री में एक सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का, एक स्टैंड से 3 1 2 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिन्हें आपके आंसर पिक करने हैं. इसको आप थोड़ा सा तैयारी कर सकते हैं, वीडियोज आपको लगातार मिल रहे हैं और ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए. प्लीज फोकस जरूर करें इस सेक्शन पर, बार बार मैं कह रहा हूं. अनसीन पैसेज 15 मार्क्स की है, यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 13-14 मार्क्स इन दिस अनसीन पैसेज. क्लियर? देन आर्टिकल राइटिंग, मैं बहुत आर्टिकल लगातार आपके लिए दे रहा हूं, प्रिपेयर करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट. और आर्टिकल लिखने का मेथड भी आप सीख रहे हैं और काफी कुछ सीख चुके हैं, इसमें स्कोर करिए एटलीस्ट 9 और 9.5 मार्क. क्लियर? देन लेटर राइटिंग, ये भी बहुत स्कोरिंग जोन है, इसमें प्लीज 9 मार्क्स और 9.5 के लिए प्रिपेयर करें, अच्छे से सजाइए अपनी कॉपी के लिए. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल इंग्लिश में. बाय.